नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइफ सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी हलवा जो हमने बनाया है मखाने से। इसमें हमने चीनी का बिल्कुल यूज नहीं किया है, नहीं हमने इसमें मावे का यूज किया है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। जोड़ों के दर्द में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है और जैसे हड्डियों की प्रॉब्लम को भी ये सोल्व करता है। आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। और इसे कैसे बनाया जाता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप यहाँ पर गुड़ लिया है। अभी इसमें यहाँ पर 1.5 कप मैंने पानी डाला है। तो गुड़ यहाँ पर हिसाब से लेना है, जितना आप बनाना चाहें हलवा उसके हिसाब से यहाँ पर गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ये गुड़ लिया है। देखिए इस तरह से इसको मेल्ट होने देंगे और अच्छी तरह से इसको बॉईल होने देंगे। तो उसे मैंने साइड में निकाल दिया था। अभी यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। उसमें यहाँ पर देखिए मैंने ये बादाम लिए हैं। बादाम भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और विटामिन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर इसी कढ़ाई में ये मखाने लिए मैंने, तो यहाँ पर 2 कप मैंने ये मखाने लिए हैं। तो यहाँ पर इनको भी हम अच्छी तरह से, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए इतना इसको हम यहाँ पर पका लेंगे। उसके बाद देखिए, जो हमने यहाँ पर ये बादाम भी ठंडे हो चुके थे और यहाँ पर जो ये मखाने थे ये भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके थे। देखिए इनको यहाँ पर पीस लिया है। अभी इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अभी इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम कढ़ाई ली है, कढ़ाई में यहाँ पर अभी 2 से 3 चम्मच ये देसी घी डाला इसमें। अभी घी मेल्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये 1 कप सूजी ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, पतले वाले या फिर मोटी आती है वो भी ले सकते हैं आप। इसको यहाँ पर अच्छी तरह से मीडियम से लो आंच कर लेंगे, उसके बाद इसको भून लेंगे। अभी देखिए आपको देखने से लग रहा है इसका बिल्कुल डार्क कलर हो गया है। अभी इसे हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे, यानी धीमी कर दी है गैस मैंने। उसके बाद जो हमने गुड़ को पहले मेल्ट किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। इसमें बिल्कुल अच्छे से मीठा हो जाएगा। अंदाजे से जो भी चीज़ हमने ली है उससे बहुत ही अच्छा ही मीठा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए अभी गुड़ मैंने सारा इसमें डाल दिया है। 2 कप मैंने यहाँ पर गुड़ लिया था और यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप सूजी ली थी और यहाँ पर 2 कप मैंने मखाने लिए थे। तो सारे चीज़ों में ये गुड़ बहुत ही अच्छे से लग गया था। 2 कप मैंने गुड़ लिया था तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से मीठा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। कम से कम इसे बनने में 10 से 12 मिनट लगी हैं और ये बहुत ही अच्छा ये हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत ही फायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द में, और जैसे हमारी हड्डियों में कई बार होता है कि दर्द रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है। और वैसे भी विटामिन्स होते हैं बहुत सारे इसमें, जैसे यहाँ पर हमने बादाम का यूज किया है, मखाने का यूज किया है, तो वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। विटामिन्स मिनरल्स होते हैं सारे उसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ जैसे गोला होता है ना, वो मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो इसमें डाल दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पर ये हलवा बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा ही बना है। हमने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली, हमने इसमें गुड़ का यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर अभी इसे सर्व कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर जैसे बादाम डाल देंगे और बहुत ही अच्छा ये हमारा मखाने का हलवा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।